Hello, I'm Harun, and you have logged on to bolojawan.com. अच्छा हमारे साथ अगला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बड़ा एक हर कुछ अरसे बाद एक हमारे पाकिस्तान के बड़े फेमस हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, और जिनकी हर तरफ पाकिस्तान का बहुत भला करते हैं, लोगों का बहुत भला करते हैं, मीडिया का बड़ा भला करते हैं, अच्छे इंसान है बेसिकली, मलिक रियाज साहब. नाम ले लिया आपने. हाँ नाम देखिए, मैं तो उनको अच्छा, मेरे लिए मैं तो कहता हूँ वो वाकई अच्छे इंसान है. बेसिकली अभी जो क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंट क्या हुआ है कि जी 190 मिलियन पाउंड्स NCA UK की एक उनका जो क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उनको उनके साथ उनकी सेटलमेंट हुई है कि जी वो 190 मिलियन पाउंड्स उनको हवाले करेंगे और वो पाकिस्तान आ जाएगा. इसके ऊपर अब अगले सवाल ये उठते हैं कि वो पैसे किधर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जा रहे हैं या वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आ रहे हैं. तो क्या देख रहे हैं आपके, ये क्या स्टोरी क्या चल रही है? और देखिए अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मीडिया खुल के इनका नाम नहीं ले रहा, ऐसा क्यों? सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, बड़े बड़े नहीं नाम ले पा रहे. अच्छा मामला ये देखें, जो स्टोरी जब ये इमर्ज हुई तो लोगों के लिए एक बड़ा शॉक था, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स पब्लिक में पहले नहीं लाई गई थी, क्योंकि अच्छा जो अकाउंट्स थे या जो चीज़ें थी ये फ्रोजन गालबन कोई 1.5 साल से थी, मगर ये इसकी कोई भिनक हमें नहीं पड़ी थी, ना किसी मीडिया में आया था. ता वक्त की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज नहीं रिलीज की, और जब वो रिलीज हुई तब लोगों ने उसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया, तो अचानक वो स्टोरी बनती चली गई. पहले तो समझ भी नहीं आ रहा था ना कि स्टोरी क्या थी. अच्छा भी शुरू में आपने जो थे हमारे जज्बाती भाइयों ने कह दिया कि भाई ये तो असल में हसन नवाज का पैसा है जो जी आ रहा है, ठीक है. फिर वो कहा जी को हाइड पार्क वाली जो जायदाद थी वो इन्होंने बेच दी थी मलिक रियाज को, बिल्कुल ठीक है. प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं फॉर अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी नहीं वो मियां साहब वाला केसेस अलग हैं, वो अलग है, पैसे अलग हैं. अच्छा अब इंटरेस्टिंगली जिस चीज़ पे हमें भी जरा थोड़ी सी हैरत थी कि जो खान साहब इतना बात करते हुए लूटी हुई दौलत लाएंगे, मुराद सईद ने कहा था ये पैसे मुंह पे मारेंगे, तो मारना शुरू हो गए, सब बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी से जो लगने शुरू हो गए, पैसे आ रहे हैं तो कोई खामोशी नहीं हुई इसके ऊपर. गवर्नमेंट ने काफी इसको लोगों तक बताया कि जी पैसा आ रहा है. देखिए पहले होता क्या था, पहले अगर कोई भी पैसा आता था ना, कोई उसके सामने अवाम के सामने तो नहीं आता था. अभी भी कई ऐसे वो फेक अकाउंट्स वाले जो फेमस लोगों के हैं वो कहते हैं जी ये अवाम को पैसा दे देना चाहिए. भाई किसी को आप बिठा के ये 100-100 रुपए के ये नहीं देंगे, अवाम की भलाई पे पैसा लगाना पड़ेगा, वहां से इसको कहते हैं अवाम पे पैसा लगाना. अच्छा देखें मलिक रियाज साहब ये मेंटेन कर रहे हैं कि जो ये पैसा आया है ये जो उन्होंने 480 अरब रुपए का जुर्माना देना जो कराची और कराची बैरियर वाला जो केस था आपका, एडजस्ट करना था वो ये उसमें एडजस्ट होंगे. लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर तो ये NCA के थ्रू आया है, नेशनल क्राइम एजेंसी के थ्रू, ये तो फिर जब्त किया गया, कंफिस्केटेड पैसा है, तो वो पैसा तो देखिए अपनी मर्जी से वो करते हैं, वो इनके थ्रू तो ना आता, तो इसके अंदर भी कोई और तो स्टोरी है जो इस वक्त तक सामने नहीं आ रही है, क्या है? स्टोरी तो है. अब देखिए एक हद तक मैं हुकूमत की मजबूरी भी समझ सकता हूँ, क्योंकि वो जो प्रेस रिलीज थी वो उसने आपको बड़ा हद तक बाउंड किया, उन्होंने लिखा हुआ ये एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं है. अच्छा और फिर आप फर्दर इसीलिए वो शायद वो बात करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक सेटलमेंट हुई है तो उसको वो वायलेट नहीं करना चाह रहे. मगर ये चीज़ तो प्रूफ करता है कि मलिक रियाज साहब ने कहीं ना कहीं पे दो नंबरियां तो की हैं. अब वो पैसा उनसे कैसे वसूल किया जाए, दैट इज समथिंग दैट द स्टेट हैज़ टू टेक इट अप ऑन. ऑल्सो अब ये मसला भी आपको रिजॉल्व करना है कि भाई अगर वो पैसा कन्फिस्केट किया गया तो फिर वो अवामी फलाह मनसूबे के मलिक साहब ने जो वो 480 अरब रुपए देने वो अलग से अलग है, वो तो अलग है. लेकिन अगर ऑन द अदर साइड देखा जाए और हालात देखे जाए और जिस तरीके से मलिक साहब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, उनकी साइड से भी बड़ा अच्छा तरीके से, कि वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं जी ये ऐसे है. और उनके साथ तो पहले भी अगर आप देखें एक शो में आए थे, कई दफ़ा वो 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे सहाफ़ियों के रिकॉर्ड्स दे दिए थे कि जी ये है. तो अगर इसको भी देखा जाए जो कि वो सच बात अगर कर रहे हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली मीडिया तो शोर नहीं मचाएगा. नहीं मीडिया ने तो आपकी जितनी आप कवरेज देखें वहाँ पर उन्होंने कहा एक मारूफ समाजी शख्सियत, मारूफ नामवर शख्सियत, तो किसी का भी नाम नहीं लिया, तो वो एक बायस तो आपको नजर आ रहा है. अच्छा नाज़रीन आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि ये मलिक रियाज साहब का जो ये बयान आया है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट का एक बयान आया है, और जो एक स्पेकुलेशन है कि जी और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया पैसा और वहाँ से अब गवर्नमेंट को वो फंड्स जारी होंगे,
और मलिक साहब कहते हैं कि जी ये मेरा कराची के अगेंस्ट जो मैंने वो उनके जो अदालत का फैसला था उसके अगेंस्ट मैं कर रहा हूँ, लेकिन आ ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके है उनके थ्रू आ रहा है तो वो कन्फिस्केट हुआ है। फिर स्टोरी ये भी कहते हैं कि जी ये जो मियां साहब के जो अपार्टमेंट्स हैं ये उनके उनका पैसा यहाँ भेज दिया गया है। तो इस पर ज़रूर आप अपने कमेंट्स दीजिएगा कि क्या है, आपको क्या लगता है और किस तरीके से ये अब आगे स्टोरी बिल्डअप होगी। Hello, I'm Harun and you have logged on to bolojawan.com.